हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार बना है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे इस चीज़ को देख रहे हैं, शायद आपको पता है इस चीज़ को हम लोग खेतियों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जहाँ पे मछलियों का कल्टीवेशन होता है, मतलब झीलों में तालाबों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो मेहनत का फल, मतलब हम लोग जो किसान हैं उनकी जो मेहनत का फल, कोई जंगली जानवर या फिर पक्षियाँ इसको चुरा के खा के ना लेके जाए। लेकिन दोस्तों आजकल के जानवर इस चीज़ को देख देख के उनको पता चल गया है ये एक फेक चीज़ है, और इससे वो अभी ज़्यादा डरता नहीं है। तो गाइस मैं आज इस तरह का कुछ चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये अच्छा तरीके से वर्क करता है, मतलब इसको चलने के लिए कोई बैटरी मोटर की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली विंड पावर से ये चलेगा। और दोस्तों ये इसको आप लोग घरेलू चीज़ों की मदद से ही बना सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और कैसे हम लोग इसको बनाएं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस चीज़ को बनाने के लिए मैं कुछ नट बोल्ट ले लिया हूँ और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं दो होल कर दिया हूँ पहले से ही, और एक बोतल ले लिया हूँ। और इसमें से दोस्तों मैं ऊपर एक होल और नीचे दो होल, दोनों साइड में कुछ इस तरह से मैं होल किया हूँ, ताकि इसका अंदर बोल्ट अच्छे से जा सके। और दोस्तों इस चीज़ को बनाने के लिए मैं एक मेरा घर में जो पुराना खाने का थाली था, मैं उसको स्टील का था, उसको मैं ले लिया हूँ और उसमें भी मैं एक होल कर दिया हूँ। और दोस्तों ये जो सामने मैं जो पंखे इसमें लगाऊँगा, वो दोस्तों मेरा एक घर का जो एक फैन था, मैं मतलब वो पुराना था, उसको मैं खोल लिया हूँ, वो ख़राब हो चुका था उसका मोटर, तो मैं वहाँ से ही उसको ले लिया हूँ। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैं एक GI का वायर लिया हूँ और उसके साथ जो मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, उसके नीचे जो लोहे का बॉल होता है उसको मैं कुछ इस तरह से लेके इस तरह से मैं ट्विस्ट कर लिया हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे आप छोटे साइज का नाट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से करके मैं जो पीछे वाला जो सेफ्ट निकल के आया था फैन का, उसके साथ इसको इस तरह से अटैच कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब ये कैसे काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो विंग्स आप देख रहे हैं, इसकी मदद से इसका जो दिशा है, मतलब जिस तरफ से हवा आएगा वो फैन को उसी दिशा में इसको मोड़ देगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ये जो चीज़, ये फैन एक ही साइड में, मतलब एक ही दिशा में फिक्स्ड रहेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, चारों ओर से हवा बहता है, तो सिर्फ इसके सामने जब हवा आएगा तब ही ये घूमेगा। लेकिन ये रहने से क्या होगा, ये इसको जिस तरफ से हवा आ रहा है उस तरफ से उसके सामने इस फैन को रख देगा। दोस्तों फिलहाल मैं इसको अभी मिट्टी में रख दिया हूँ, लेकिन मैं जब इसको ज़मीन में इसको लगाऊंगा तो आप देख सकते हो इस तरह का मैं एक बाम्बू लिया हूँ, जिसके अंदर से मैं इस, आप देख सकते हो इस तरह का होल कर दिया हूँ। मतलब ये जो आएगा इस तरह से इसके अंदर आ जाएगा, और तब देखिए आप ये फ्रीली इस तरह से रोटेट करेगा इस तरह से। और गाइस आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए मैं इधर ये जो रबर वाला मैं बैंड यूज किया हूँ, ताकि ये जो सामने वाला फैन वो आगे की तरफ ना चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पे भी रबर इस्तेमाल किया हूँ, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी किया हूँ। आप चलिए दोस्तों इसको हम लोग खेती में इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। और दोस्तों इसको और भी डरावना बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक, मतलब इस तरह का एक मास्क यूज किया हूँ, ताकि ये और ज़्यादा भयानक लगे। तो चलिए गाइस अब हम इसको लेके चलते हैं खेती में और इसको लगा देते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे इंस्पायर करता है नया वीडियो बनाने के लिए और नया कुछ दिखाने के लिए। तो गाइस आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।